हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मॉनसून स्टार्ट हो गया है और इस मौसम में सर्दी जुखाम होना एक आम बात है, लेकिन इस सीज़न हमें अपने शरीर की सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप तो जानते ही कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस से कितने ही जाने खतरे में हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मॉनसून के मौसम में कैसे अपने शरीर को बचाएं और सर्दी जुखाम बुखार से कैसे बचें। इस मौसम में वातावरण में नमी बनी रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर में पाचन की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इस मौसम में अधिक तेल युक्त भोजन, सड़क किनारे मिलने वाले भोजन, एक साथ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पकाए हुए भोजन के सेवन से बचना चाहिए। ये अभी आपके पेट को ख़राब कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बारिश के मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए। बारिश के मौसम में तरबूज और खरबूज जैसे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में आम का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये मुहासे का कारण बन सकते हैं। भोजन में कम नमक का सेवन करें और अधिक नमक वाले भोजन से बचें। अधिक तेल युक्त भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण को आमंत्रित करते हैं। जिन लोगों को बरसात में त्वचा की एलर्जी होती है, उन्हें मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मसालेदार खाद्य पदार्थ शरीर का तापमान बढ़ाते हैं, जिसके कारण एलर्जी और त्वचा की जलन जैसी समस्या होती है। इस मौसम में आपको खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि खट्टे टमाटर, नींबू और इमली। खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि ये जल प्रतिधारण की समस्या उत्पन्न करते हैं। कॉफ़ी और चाय का अत्यधिक सेवन करने से शरीर को डिहाइड्रेट होता है, इसलिए अधिक कॉफ़ी या चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मौसम में आपको फूल गोभी, आलू, क्लस्टर सेम, भिंडी, राजमा जैसी सब्जियों से बचना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बारिश के मौसम में क्या क्या खाना चाहिए। इस मौसम में आपको फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह आपको ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। आपको सेब, आम, अनार और नाशपाती जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। मॉनसून के कारण गैर मौसमी फलों में कीड़े हो जाते हैं, इसलिए इस मौसम में पाए जाने फल ही खाने चाहिए। इस मौसम में करेला, नीम, हल्दी पाउडर, मेथी के बीज जैसे कड़वे जड़ी बूटियों का सेवन करें, ये आपको सभी संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं। इस मौसम में आपको जीवाणुरोधी गुणों वाले हर्बल चाय का सेवन करना चाहिए। चाय बनाने के लिए आप अदरक, काली मिर्च, शहद, पुदीना, तुलसी के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। इस मौसम में आपको कच्ची सब्जियों के सलाद की जगह उबले हुए सलाद का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कच्ची सब्जियों में बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय होते हैं। इस मौसम में जुकाम खांसी से बचने के लिए तुलसी और दालचीनी के साथ गर्म पानी पीना चाहिए, यह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कोरोना के कारण तो वैसे ही हम सब सब्जियों को बहुत अच्छे से धोकर ही फ्रिज में रखते हैं, लेकिन इस मौसम में और ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। इस मौसम में गर्म पानी में नमक डालकर सब्जियों को धोएं। सब्जियों में लहसुन, प्याज और अदरक का अधिक से अधिक उपयोग करें। वायरल मौसम और कोरोना से बचने के लिए गर्म पानी में नमक डालकर रोज़ इसके गरारे करें। इसके साथ साथ गर्म पानी का भी सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट जैसे अखरोट, बादाम, किशमिश का सेवन अधिक से अधिक करें, यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और आपको इस मौसम में लड़ने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को ध्यान रखकर आप एक अच्छी सेहत पा सकते हैं और मानसून में बहुत आनंद भी उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, यह आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।